बीएसई निवेश मंथन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बीएसई निवेश मंथन में आज नई कंपनियों के लिए बीएसई एसएमई एक्सचेंज वरदान से कम नहीं, छोटी कंपनियों को पूंजी जुटाने में अहम भूमिका निभा रहा बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म, 2012 में हुई बीएसई एसएमई एक्सचेंज की शुरुआत। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म से जुड़कर कई छोटी कंपनियों ने पाई कामयाबी। बीएसई एसएमई से जुड़ी कंपनी के दिग्गजों ने कारोबार को बढ़ाने के लिए बीएसई एसएमई एक्सचेंज को जमकर सराहा। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर कंपनियों के लिस्टिंग का सिलसिला लगातार जारी। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 117 कंपनियां लिस्टेड, 10 कंपनियां मेन बोर्ड में शामिल, इस साल जुड़ेंगी कई और नई कंपनियां। बीएसई निवेश मंथन में आज बोनस शेयर की करेंगे चर्चा, जानेंगे बोनस शेयर के अहम पहलुओं के बारे में। और बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीएमडी अजीत गुलाब चंद की राय और निवेशकों के लिए खास सलाह। पिछले 140 वर्षों में बीएसई ने हजारों कंपनियों को न सिर्फ पूंजी जुटाने में बड़ा योगदान दिया बल्कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कामयाबी भी हासिल की है। वहीं निवेशकों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो निवेश के माध्यम से फायदा उठाते आ रहे हैं। आज जमाना इनोवेशन का है, देश में नई स्टार्टअप कंपनियों का दौर है, सरकार का जोर इन नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर है। ऐसे में बीएसई की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम है। इन छोटी कंपनियों के लिए बीएसई ने ठीक वैसी व्यवस्था को तैयार किया जो कि बड़ी कंपनियों को हासिल है। नई और छोटी कंपनियों के लिए बीएसई एसएमई एक्सचेंज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये कंपनियां लिस्टिंग करवाकर कारोबार को बढ़ा सकती हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए बीएसई एसएमई एक्सचेंज से बेहतर विकल्प और कोई नहीं हो सकता। बीएसई ने स्टार्टअप को बहुत करीब से देखा हुआ है। बीएसई के वहां एसएमई स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज की एक एक्सचेंज चलती है बीएसई के अंदर ही, जहां करीब 120 कंपनियां लिस्टेड है। बीएसई के बिल्डिंग के अंदर ही एक इंक्यूबेटर की रचना भी की है रायरसन यूनिवर्सिटी और बीएसई इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलके, कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं नए हाईटेक उद्योगों को सहायता करते हैं अपना बिजनेस प्लान बनाने में, बिजनेस को बढ़ाने में, और उनको जगह भी देती है, उनको फंडिंग भी देती है रायरसन यूनिवर्सिटी के जरिए। तो बीएसई ने इंक्यूबेटर का काम भी कर रही है अपने बीएसई इंस्टीट्यूट और रायरसन यूनिवर्सिटी के जरिए। स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस की एक्सचेंज भी खड़ी की हुई जो बहुत बहुत प्रसिद्ध भी हुई है और बहुत सक्सेसफुल हुई है। छोटी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना बड़ी चुनौती होती है। नई कंपनियों को बैंक लोन या दूसरे फाइनेंस संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। बीएसई की दूरदर्शिता ही कहेंगे कि साल 2012 में छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई और जल्द ही इस एक्सचेंज ने कई कंपनियों को बड़ा बनाने में अहम रोल निभाया। एसएमई उद्योग के तेजी से विकास के लिए ये एक्सचेंज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बीएसई एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। 117 कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं। इन कंपनियों ने 866 करोड़ रुपए का फंड बीएसई एसएमई के जरिए जुटाया। इनमें 10 कंपनियां मेन बोर्ड से जुड़ गई हैं। मौजूदा वक्त में 107 कंपनियां कारोबार कर रही हैं और इन कंपनियों की मार्केट कैप करीब 7000 करोड़ रुपए है और बीएसई एसएमई के साथ 93 मार्केट मेकर रजिस्टर्ड हैं। एसएमई आईपीओ इंडेक्स दिसंबर 2012 को लॉन्च हुआ और आने वाले वक्त में कई कंपनियां बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रही हैं। बीएसई ने मार्च 2012 से छोटी कंपनियों को भी स्टॉक मार्केट में आके जो पैसे इकट्ठे करने के लिए, निवेशकों से पैसे इकट्ठे करने के लिए एक सुविधा दी हुई, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ जिसका नाम बीएसई एसएमई रखा गया था, और उसमें आज करीब 108 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर और 30 अधिक कंपनियां वहां पर लिस्ट होने की संभावना है। तो हर सप्ताह एक या दो नई कंपनियां आज एसएमई में लिस्ट हो रही है, क्योंकि भारत में एसएमई की जो संख्या है बहुत अधिक है। करीब 10 लाख से भी अधिक स्मॉल मीडियम सेक्टर कंपनियां भारत में काम करती है। एसएमई उद्योग देश के विकास में अहम भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना कड़ी चुनौती होती है। कम पूंजी में कारोबार को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तभी भी बैंक पूछती है कि भी आपके पास इक्विटी कितनी है, तो जो उद्योगपति होते हैं, छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, वो अपने लिए इक्विटी जुटा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी इक्विटी जो प्रॉफिट मिलता है कंपनियों से उसी में से आती है।
और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, तो बाहर से भी दूसरे निवेशकों से पैसे बी एस सी एस एम ई के जरिए जुटा सकते हैं और अपने जो धंधे हैं उनको और मजबूत बना सकते हैं, उनको उनका और व्याप कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी उनका सेल्स वगैरह और बढ़ सकता है। तो इसलिए ये बी एस सी एस एम ई की एक योजना बनाई गई थी और करीब करीब 7,000 करोड़ से भी अधिक रुपये का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनियों में 108 कंपनियों में हुआ है। BSE SME एक्सचेंज आने के बाद से देश में SME की तस्वीर बदली है। कैपिटल की हर जरूरत पर ये प्लेटफॉर्म फायदेमंद साबित हुआ है। इतना ही नहीं, छोटी कंपनियां धीरे धीरे तरक्की करके मेन बोर्ड में चली जाती हैं। तो ये कंपनी जब बड़ी बन जाती है, कोई कारण से कंपनी का व्याप अच्छा बढ़ता है, तो आगे जाकर 2 साल के अंदर अंदर वो कंपनी मेन बोर्ड में भी अपने आप उसका ग्रेजुएशन हो सकता है। तो SME के माध्यम से कई जो छोटे उद्योगपति है जो कभी सोचते नहीं थे कि भाई मैं धीरू भाई अंबानी बन पाऊंगा या मैं रतन टाटा बन पाऊंगा या मैं अजीम प्रेम जी बन पाऊंगा, तो आज वो BSE SME के जरिए BSE पे आ सकते हैं और अपनी कंपनी को बढ़ावा दे सकते हैं, दूसरे निवेशकों का साथ लेकर उनको भी प्रॉफिट में हिस्सा दिलवा सकते हैं, और जब कंपनी बड़ी बन जाती है तो मेन जो BSE मेन बोर्ड कहा जाता है उसमें भी अपनी कंपनी को ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। तो BSE SME की जो ये योजना है वो छोटे उद्योगपति के लिए है। BSE SME एक्सचेंज में लिस्टेड कई कंपनियां इस बात के गवाह हैं कि ये प्लेटफॉर्म उनकी कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ। इन्हीं में से एक है टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड। लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत हुई, आज सप्लाई चेन सॉल्यूशन की अग्रणी कंपनियों में से ये एक है। BSE SME लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जब हमने अपनी कंपनी को लिस्ट कराया तो हमें ये आइडिया नहीं था कि हमें इतनी क्रेडिबिलिटी और इतनी विजिबिलिटी मिलेगी। हमें ये शुरू से डर रहा था कि हमें लगता था कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएंगे, शेयर्स आएंगे, हमें पता नहीं नुकसान होगा फ़ायदा होगा। हमें ये अनुभव ही नहीं था कि ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए और हमारे बिजनेस के लिए इतना फ़ायदेमंद रहेगा। टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड के सामने कंपनी को बड़े स्तर पर उभारने की चुनौती थी। 2013 में कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म से जुड़ी। इसके बाद से कंपनी की ग्रोथ में भारी इजाफा हुआ। टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड के CMD हरप्रीत सिंह मल्होत्रा के निर्देशन में आज कंपनी एयर फ्रेट सर्विसेज, ओशन फ्रेट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम्स क्लियरेंस एंड ट्रेड कॉम्प्लायंस, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोरो ऑपरेशंस, डोर टू डोर डिलीवरी, हैवी लिफ्ट्स एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स, चार्टर सर्विसेज और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। हरप्रीत का मानना है कि जब से कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हुई है उसके बाद से कंपनी तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रही है। BSE SME एक्सचेंज छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका देता है, वहीं निवेशकों को भविष्य में बेहतर रिटर्न का फायदा भी दे रहा है। हमारी कंपनी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब हमने यहाँ अपनी कंपनी को लिस्ट कराया तो हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। वी वर वेरी कंफर्टेबल। हमारा जो प्रोसेस पूरा था बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें डील किया, हमारे साथ अच्छा काम किया और हमारी कंपनी को जो एक्सपोजर मिला वो मार्केट में हमें हमारा उससे बिजनेस बढ़ा, हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ी, हमारे को जो बैंक्स की जो हमारी क्रेडिट लिमिट्स थी बैंक हमें बड़ा सीरियसली लेने लग गए। हरप्रीत मानते हैं कि BSE SME एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद से न सिर्फ कंपनी की फाइनेंस संबंधी दिक्कतें दूर हुई हैं बल्कि कर्मचारियों में आत्मविश्वास भी पैदा हुआ है, इस वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। हमारी अकाउंटिंग सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई हो गया और साथ में साथ में एक जो हमारे एम्प्लॉयज़ का जो एक एम्प्लॉयज़ में जो एक कॉन्फिडेंस आया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। BSE SME एक्सचेंज की सेवाएं ही निवेशकों का ध्यान खींचती हैं। इसके तहत सदस्यों के तकनीकी और गैर तकनीकी सवालों के समाधान के लिए विशेष कक्ष, सुझाव या फीडबैक की प्राप्ति और उस पर अमल करना, समय समय पर मॉक ट्रेडिंग का संचालन, अलग अलग विभागों के बीच सामंजस्य रखना, लिस्टिंग के नियमों एवं उपनियमों के संबंध में कंपनियों को जानकारी देना, कंपनियों को उनकी बैलेंस शीट तैयार करने और सही समय पर दाखिल करने के लिए सलाह देना, कंपनियों को लिस्टिंग की सभी आवश्यकताएं पूरी करने के संदर्भ में सलाह देना, कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट की प्रक्रिया के संदर्भ में सलाह देना।
मैं अपने इंडस्ट्री वालों से, अपने जो बाकी हमारे इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं उनसे सबको यही एडवाइस दूंगा, हिदायत दूंगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म। आप लोग जाएं, उनसे मिलें। हम भी ऐसे ही उनको किसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे और हमारा जो अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं यही कहूंगा कि आप लोग जाके उनसे मिलिए और आपको आपका यू विल नॉट रियलाइज कि आपको आपका बिजनेस किस लेवल पे पहुंच जाएगा। स्मॉल इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ग्रो बिग विद बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म। देश के अंदर उत्पादन में एसएमई सेक्टर का योगदान अहम है, वहीं जॉब क्रिएशन में एसएमई सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर देश की मजबूत कड़ी बन गया है। अगले 3 या 5 साल में 5,000 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड होगी तो भारत का और बहुत विकास होगा, अधिक विकास होगा। और इसमें से कई कंपनियां आगे जाके इंफोसिस, टीसीएस ऐसे बन सकती है जो हमें आज लग रहा है कि बहुत छोटी है। वो जो छोटा पौधा जब हम बोएंगे तब जाके बड़ा वटवृक्ष बनेगा। ऐसी कई कंपनियां हैं जो बीएससी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड हुई और कामयाबी पा रही हैं। हमारी कंपनी बीएससी एसएमई में लिस्ट होने से हमको जो क्रेडिबिलिटी हमारी जो अच्छी हुई है, तो मार्केट में एक हमारी रेप्यूटेशन भी इम्प्रूव हुई है। हमको एक लिस्टेड कंपनी की तरीके से देखते हैं और हमारी कंपनी को हम बीएससी मेन बोर्ड में भी हम माइग्रेट कर सकते हैं। हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे जो दूसरी ग्रुप कंपनीज है उसको भी हम बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और कंपनी को हम ग्रो करेंगे। स्मॉल इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ग्रो बिग विद बीएससी एसएमईज। बीएससी निवेश मंथन में हम ऐसी कंपनियों के बारे में आगे एपिसोड में भी चर्चा करेंगे। निवेश मंथन का मकसद है कि हर छोटी, मध्यम और बड़े दर्जे की कंपनी को और निवेशकों को बीएससी से जुड़ी जानकारी मिले ताकि वो इसके हर प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर भविष्य को बेहतर बना सकें। आगे देखिए क्या होता है बोनस शेयर और बोनस शेयर के क्या है फायदे। बीएससी निवेश मंथन में आज बात बोनस शेयर की। क्या होता है बोनस शेयर? दरअसल कंपनी अपने कारोबार के सफल संचालन के साथ साथ अपने शेयरधारकों को फायदा पहुंचाने के मकसद से बोनस शेयर जारी करती है। कंपनी के लाभ की बड़ी राशि कोष के रूप में जमा हो जाती है तो वो कंपनी बोनस शेयर जारी कर इस कोष को अपनी पूंजी यानी कैपिटल में परिवर्तित करा लेती है। इससे कंपनी और शेयरधारकों दोनों को फायदा होता है। बोनस शेयर्स एक एडिशनल शेयर्स होते हैं। कंपनी की एक रिकॉर्ड डेट आती है, एक एक्स बोनस डेट होती है। कोई भी निवेशक उससे पहले अगर शेयर खरीदेगा तो उसको उसका मुनाफा ज़रूर मिलेगा, उसको उसके बोनस शेयर ज़रूर मिलेंगे। जब कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती और कंपनी के पास एक कैश सरप्लस एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कैश सरप्लस को जब कैपिटलाइज करते हैं, उसको जब हम कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो बोनस इशू के तौर पर एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में दिया जाता है। बोनस शेयर कंपनी द्वारा जारी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयरों के शेयरधारकों को उनके पास शेयरों की संख्या के अनुपात में जारी किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी 2:5 का बोनस जारी करती है तो इसका मतलब आपके पास मौजूद हर 5 शेयर पर आपको 2 शेयर बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के दिए जाएंगे। बोनस शेयर का फायदा मौजूदा शेयरधारकों को मिलता है। कंपनी बोनस शेयर केवल अपने शेयर धारकों को ही जारी कर सकती है। जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है उसको कैपिटलाइज करके, उनके शेयर्स कन्वर्ट करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सेम प्रोपोर्शन में आप वो स्टॉक्स देते हो। जैसे राइट्स इशू के अंदर आपकी एक रेशियो डिसाइड हो जाती है, सेम वे बोनस शेयर्स के अंदर भी रेशियो डिसाइड हो जाती है कि जैसे एक शेयर के ऊपर एक शेयर आ रहा है या 2 शेयर के ऊपर एक शेयर आ रहा है तो वो रेशियो डिसाइड हो जाती है और उसी रेशियो में जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन सबको बोनस शेयर्स दे दिया जाता है और जो आपका रिजर्व्स थे वो आपके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
कंपनी के बोनस शेयर जारी करने पर शेयर के मूल्यों में भी बदलाव आता है। ये बदलाव रेशो पर निर्भर करता है। मान लीजिए एबीसी कंपनी के शेयर का बाजार भाव 400 रुपए है और कंपनी अपने शेयर धारकों को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करती है, तो उस स्थिति में कंपनी के शेयर का भाव गिरकर आधा हो जाएगा। इस हिसाब से एक शेयर 200 रुपए का हो जाएगा। शेयर के मूल्यों में ये परिवर्तन अस्थायी होता है। कंपनी के शेयर के भाव कम होने का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नए निवेशकों के लिए मौका होता है। जो कम मूल्य पर शेयर खरीदना चाहते हैं, वो कंपनी की तरफ आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का भाव 100 रुपए चल रहा है और अगर वो एक पे एक शेयर इशू करती है, तो उस कंपनी का जो शेयर का जो दाम है वो घट के 50 रुपए रह जाता है, क्योंकि उसी कंपनी के एक शेयर के बदले 2 शेयर इन्वेस्टर के पास पहुंच जाते हैं। पर ये अस्थाई होता है, धीरे धीरे वो उसका भाव में वृद्धि हो जाती है कंपनी की आमदनी के साथ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। बोनस की घोषणा के बाद शेयर चढ़ता क्यों है? दरअसल इसका कोई ठोस या बुनियादी कारण नहीं बताया जा सकता। एक ओर तो बोनस जारी करने वाली कंपनी के बारे में निवेशकों की ये धारणा बनती है कि कंपनी नकद रिजर्व के मामले में बहुत मजबूत है, और दूसरा लाभांश के तौर पर मिलने वाली रकम 2 गुनी हो जाती है। इन सबसे कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ जाती है। साथ ही बोनस के बाद क्योंकि कंपनी के शेयरों की कीमत उसी अनुपात में कम हो जाती है, तो उनका दैनिक कारोबार भी काफी बढ़ जाता है। बोनस शेयर के लिए कंपनी शेयर धारकों से क्या कोई मूल्य लेती है, आइए जानते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एज अ रिवॉर्ड इशू करती है बोनस शेयर्स। किसी भी कंपनी के शेयर धारकों को उस कंपनी के द्वारा बोनस शेयर जारी करने के कई फायदे हैं। एक तरफ जहां शेयर धारक का कंपनी में विश्वास बढ़ता है, तो दूसरी तरफ कंपनी को कम खर्च में पूंजी जुटाने में मदद मिल जाती है। कंपनी ग्रोथ के लिए नए प्लान पर काम करती है। बोनस शेयर हमेशा एक कंपनी के एंड पे एक पॉजिटिव जेस्चर लिया जाता है। एक हमेशा इसका यह मानना होता है कि अगर एक कैश रिजर्व्स को कंपनी कैपिटलाइज कर रही है, तो वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व जो हैं वो आगे कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंशन में काम आएंगे, क्योंकि अगर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है तो कंपनी ऑलवेज हैज़ अ प्लान्स फॉर एक्सपेंशन, कंपनी ऑलवेज हैज़ एन एजेंडा टू डिप्लॉय दोज फंड्स। तो वंस दैट एजेंडा इज क्लियर, वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट दिस मनी इज गोइंग टू गेट यूटिलाइज इन अ वे विच वुड बी रिजल्टिंग इन टू द एक्सपेंशन ऑफ प्रॉफिट्स, एक्सपेंशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो जब ये सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं ये कम्फर्ट लेवल होता है कि कंपनी के आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे आपको ज़्यादा भरोसा होता है। दूसरा, कंपनी के लिए एक और फ़ायदा इसके अंदर ये होता है कि अगेन ये एक इनएक्सपेंसिव रूट है आपका जो कैपिटल रेज करने का। और तीसरा ये है कि जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जितने नंबर ऑफ शेयर्स पे बाई चांस अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, और उसके बाद अगर बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं, तो नए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग ओल्ड शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स, उन सब पे डिविडेंड मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात होती है। शेयर के फेस वैल्यू पर बोनस शेयर का क्या कोई असर होता है? इसका जवाब है नहीं। बोनस के बाद कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू वही रहती है। दरअसल शेयर विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट और बोनस का मुख्य अंतर यही है कि बोनस में शेयर के दाम तो गिर जाते हैं, लेकिन इससे फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। दूसरी ओर स्प्लिट में फेस वैल्यू का भाव भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। आप कंपनी की पूरी स्टडी करके ही उसके अंदर निवेश कीजिए। आप से सपोज अगर कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है, तो इस रश में ना कंपनी में निवेश कीजिए कि कंपनी में ने बोनस अनाउंस किया और आगे जाके इसके अंदर बोनस आएगा और फायदा होगा। कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करके ही निवेश कीजिए। आगे देखिए बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर एचसीसी लिमिटेड यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीएमडी अजीत गुलाबचंद की क्या है राय और निवेशकों के लिए खास सलाह।
Many congratulations to all those at the Bombay Stock Exchange and all those who were there before for making such a grand success of the exchange and in providing hundreds and thousands of entrepreneurs and companies in this country with the access to money that they badly need for their own growth and for the growth of this country. It is an extraordinary journey of 140 years. Bombay Stock Exchange is Asia's oldest stock exchange and the first one in the whole of Asia, which makes it unique in terms of its contribution to the growth of businesses and creation of wealth in this part of the world. Japan, Bombay, London, and New York. Even in time zone wise, it suits it perfectly, so that Bombay is the only stock exchange that wakes up with Japan and then closes with America. So it has a unique position, which now that its shackles have got freed, it can now find itself in the world. It is one of the most modern stock exchanges in terms of technology. And we can see that from the ability of Bombay Stock Exchange to continue to transact business in a hugely volatile market throughout the day and without failing. This cannot be possible without an extraordinary support of technology. Well, as India grows at a very high growth rate, the investors need to look at India in a little more long-term basis. It has all its fundamentals that are right. Yes, at any given time, everything doesn't look right. There's sometimes always a problem somewhere or the other. BSE Nivesh Manthan एक मंच है. इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं. हमारा फेसबुक अकाउंट है BSEIndia. इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं, वो हमें @BSEIndia पर अपने सवाल भेज सकते हैं. BSE के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप यूट्यूब के BSEIndia अकाउंट पर भी देख सकते हैं. BSE निवेश मंथन में आप हमें BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं. हमारा नंबर है 02-227-28097. हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे. BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति.